और बड़ी खबर उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा से, जहां पर वजीराबाद रोड पर मंदिर और मजार पर नगर निगम की कार्रवाई के बाद विवाद शुरू हो गया है। यहां पर पहले मजार और बाद में मंदिर को हटाया गया। सुबह लोगों को जब पता चला कि मंदिर को हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी तो बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग वहां पर पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। पीडब्ल्यूडी ने पहले ही कहा था कि मंदिर को सड़क की जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया है और कमेटी के पदाधिकारियों ने नोटिस भी जारी किया था। दरअसल वजीराबाद रोड पर मेट्रो लाइन बन रही है और सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। मंदिर और मजार की वजह से यहां अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती थी। तो दिल्ली में अतिक्रमण पर कार्रवाई के बाद बवाल की स्थिति है। ये तस्वीरें आप देखिए, मंदिर और मजार की वजह से यहां पर अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती थी। मेट्रो लाइन यहां पर बन रही है, सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, वजीराबाद रोड पर यह कार्रवाई हो रही है। प्रमोद और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, अभी की स्थिति क्या है? देखिए बिल्कुल, जो पुलिस ने जो कार्रवाई शुरू कर दी है और थोड़ी ही देर में जो मजार और जो मंदिर उसे हटाने की जो कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, लेकिन उससे पहले पूरे इलाके को जो है वो सील कर दिया गया है। भजनपुरा की तरफ जाने वाली तमाम रोड को बंद कर दिया है। ये आप ये देख सकते हैं, इस जगह पे पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया है और चाहे सिग्नेचर ब्रिज से आने वाला जो रास्ता है भजनपुरा की तरफ जाता है उसे भी रोक कर डाइवर्ट किया गया है। एहतियातन जो है भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ये काफ़ी संवेदनशील है। 2020 में भी दंगे इसी ज़िले में हुए थे और ऐसे में यहाँ पर अगर मंदिर तोड़ा जाता है या फिर मज़ार हटाई जाती है तो किसी तरीके से भी जो है माहौल ख़राब ना हो, इसके लिए पहले से ही पुलिस और प्रशासन ने जो है वो तैयारी की है और किसी को भी, किसी पब्लिक के आदमी को, यहाँ तक कि मीडिया को भी मंदिर या फिर मज़ार के पास नहीं जाने दिया जा रहा है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, मेन रोड तक जो है वो बंद कर दी है और पैरामिलिट्री फोर्स जो है काफ़ी संख्या में जो है वो तैनात की गई है। ये आप देख सकते हैं कि ये मंदिर और मज़ार से थोड़ी दूरी का रास्ता है, लेकिन यहाँ पर भी भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। बाज़ार जो है उन्हें बंद करा दिया गया है क्योंकि रास्ते जो है वो पहले से ही बंद कर दिए हैं और ऐसे में चूँकि 2020 में दंगे होने के बाद नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में जो है एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो हमेशा से इस ज़िले को दी गई थी और ऐसे में जब मंदिर और मज़ार तोड़ी जा रही है इसीलिए इस जगह पर और अतिरिक्त सुरक्षा बलों को बुलाया गया है। पूरे जो ये इलाका है भजनपुरा हो या वजीराबाद रोड हो या उसके पास, ये आप देख सकते हैं कि बाकायदा आंसू गैस के गोले छोड़ने की नौबत आए तो वो लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। लोकल पुलिस के साथ बाहर से दूसरे थानों से भी पुलिस को बुलाया गया है ताकि किसी भी तरीके से जब ये डिमोलिशन की कार्रवाई हो तो कोई भी उसे रोकने के लिए या किसी तरीके की बाधा उत्पन्न करने के लिए हालात पर कंट्रोल रखने की पूरी कोशिश यहां पर देखी जा रही है पुलिस प्रशासन की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस पूरे मामले को लेकर डीसीपी का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। सब लोग के सहयोग से हो रहे हैं, यहाँ जितने भक्त लोग थे उन लोग से भी हमने रिक्वेस्ट किया है, सब लोगों ने हमारी मदद कर रहे हैं। बल्कि आप जैसा देख रहे हैं कि भक्त लोग खुद ही अपने वो मूर्तियाँ उठा के गाड़ी में रख रहे हैं। बहुत पेशेंटली काम हो रहा है और बहुत जल्दी हम लोग इसको कर पाएंगे।